हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको आलू और मैदे से बने एक बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी से चाय के साथ खाए जाने वाले नाश्ते की रेसिपी देने जा रही हूँ। ये नाश्ता काफ़ी ज़्यादा आसान है बनाने में और काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा तैयार होता है, काफ़ी ज़्यादा चटपटा तैयार होता है। तो बारिश के मौसम में पकौड़े खा खा के हो गए हैं बोर, तो इस नए नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप मैदा ले लिया है, आप यहाँ पे आटा भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। अब मैं इसमें बॉयल किए हुए दो मीडियम साइज़ के आलूओं को इस तरह से हाथों से तोड़कर डाल दूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, ज़ीरा की जगह पर आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, जिसे हाथों से इस तरह से क्रश करते हुए मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, बट कसूरी मेथी ऐड करने से खुशबू और इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, काफ़ी ज़्यादा चटपटा सा फ्लेवर आता है इससे। एक चौथाई छोटा चम्मच ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, जिससे कि रंग और स्वाद दोनों ही बढ़िया आता है। अब मैं इसमें एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया सी चीज़ ऐड कर रही हूँ, जो कि है एक बड़ा चम्मच मिक्स पिकल, यानी कि मिक्स वाला अचार। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। अगर आपके पास ये सेम मिक्स वाला अचार नहीं है तो आप यहाँ पे आम के अचार का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब हाथों से अच्छे से इसे मिक्स करते हुए गूंद लेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हाथों से अच्छे से इसे गूंदते हुए इसका डो तैयार कर लिया है मैंने। अगर डो आपको बहुत ज़्यादा गीला लगता है तो थोड़ी सी मैदे की मात्रा बढ़ा सकते हैं इसमें। अब मैंने लगा लिया है हाथों में थोड़ा सा तेल, ताकि ये हाथों में चिपके ना। अब इसकी छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ लेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी सी, जैसे कि हम पानी पूरी की लोइयां तोड़ते हैं उतनी साइज़ की तोड़ लेंगे। ये देखिए, बहुत छोटी छोटी सी लोइयां मैंने तोड़ ली है। अब हाथों में इस तरह से एक एक लोई को उठाएंगे, घुमाएंगे अच्छे से और इस तरह से दबा देंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के ये बन जाएंगे। जिस तरह से हम पपड़ियाँ तैयार करते हैं उसी शेप और साइज़ के हमें तैयार करना है, तो इस तरह से बना के रखना नहीं है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगी। तो हाथों से बस इस तरह से दबाते जाएंगे एक एक लोई उठा के और छोड़ते जाएंगे तेल में। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने तेल भी ले लिया है तलने के लिए इन्हें। अब इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, तो मीडियम गर्म तेल में हम इसी तरह से ये छोटी छोटी पूरियाँ डालते जाएंगे, हाथों से फ्लैट करेंगे और तेल में छोड़ देंगे। तो देखिए, एक टाइम में चार से पाँच मैंने डाल दिए फ्राई होने के लिए। इन्हें हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे उलट पलट करते हुए लगभग दो से तीन मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे, अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा जलने से लगे हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हो गया है, तो आप इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई होंगे। तो ना ही हमें इन्हें बहुत ज़्यादा हाई हीट पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा लो हीट पे फ्राई करना है, हमें फ्लेम को एडजस्ट करते हुए इन्हें फ्राई करना है। तो बस दो से तीन मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाएंगे, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं। तो देखिए, आलू और मैदे का बहुत ही क्रिस्पी सा नाश्ता हमने फ्राई किया है, इसी तरह से बाकी के सभी फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने सभी को फ्राई कर लिया है और कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी है मैं इनकी आवाज़ आपको अभी सुना देती हूँ। सो गाइस, आलू और मैदे से बना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटा और कुरकुरा सा चाय के साथ खाए जाने वाला नाश्ता बनकर हो चुका है तैयार।
जिसका मज़ा आप इन बारिशों में चाय के साथ ले सकते हैं। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इस नाश्ते को ट्राई करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आज की ये नाश्ते की चटपटी सी रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।